और ये हॉस्टल की ओनर है। योर नेम? असिन। योर नेम? Тетя Света. Суп. Да. Готовлю обед, и я уже дала. А сейчас ужин. ये अच्छी बात है कि ये हिंदी जानते हैं, तो मैं ट्रांसलेटर यूज करना पड़ता। तुम स्लोशी स्लो पूरा फूल है क्या यहाँ पे? पूरा फूल प्याज रखी हुई थी, प्याज है ये सब। और इसमें इसमें लड़की हाथी यहाँ की होता है, जुटका ना बना बंदा है, मुस्लिम को सांप को खा लो। मैं कजाक बंदा हूँ, नूर खान मेरा नाम। तो हिंदी कैसी कैसी बना? सांप में सुना था बहन चोर बोला, ओ तेरी तेरी मागी चूत बहन का वो रख, कुत्ता साले कामीना चुदाई हनी का देला मुंह में डाल के बोल जाऊ मैं अंदर। ओ भाई जल्दी आओ, दो मिनट के लिए पट से तुम्हारे से काम है, इनको समझाना पड़ेगा। ये कुक है यहाँ पे जो हॉस्टल में है, और ये हॉस्टल की ओनर है। योर नेम? असिन। योर नेम? टीचर श्वेता। श्वेता, खाना बना रहे हैं टर्किश पीपल और टर्किश? यस टर्किश। पता नहीं क्या है, टूरिस्ट की पुलाव। ये समझ में नहीं आया, जैसे कि अगर कोई यहाँ पे है, ये लोग रह रहे हैं, तो अगर ये लोग डिनर इंक्लूड करते हैं हॉस्टल के अंदर अपन जैसे रह रहे, तो कितना कॉस्ट होता है, मतलब इंक्लूडेड डिनर वगैरह सब मिला के? नहीं, वो बेचने नहीं, बेचने नहीं बना, तो अपने आप बना, तो कंपनी में काम करता है। कंपनी इधर तुर्की, तुर्की पता है कंट्री, तुर्की से बंदा रहता है इधर 25 बंदा, ये बंदा इनको खाना बना देता है इनका। ये सब तुर्की डिश बनी हुई है? हाँ हाँ, सब तुर्की चीज है। ये क्या है? सूप। सूप ये टर्की से रात के लिए रहता है कि दिन के लिए? ये नहीं, डिनर के लिए। ये डिनर दो तीन टाइम के, दो टाइम का बनाते हैं? दो टाइम का। अच्छा, там ничего нет. इसमें कुछ नहीं है, я просто ужин готовлю, обед я уже дала, а сейчас ужин. लंच का टाइम दे दिया अभी। अच्छा। दोपहर का बना था, ठीक है, अभी 7 बज गए, लोग आ जाए था, वो खाना दे देता। ये चावल बना था, उधर दूसरा किचन है, तो दिखा था। सबसे मेन बात तो ये अच्छी बात है कि ये हिंदी जानते हैं, तो मैं हर बार मुझे ट्रांसलेटर यूज करना पड़ता, तो मुझे बोलना बात करने में बहुत दिक्कत हो जाती थी। ये देखो बड़ा किचन है, इसमें बंदा तुर्की बंदा खाना खाता है, इधर आएगा इधर रात में। सब सब देखो, ये आलू का चिकन, इसमें पेपर टमाटर सब है, देखा, ये इनका किचन है सब। तो बंदा इधर खाना खाता है हमेशा, और वो बटर्स रहते हैं इनके। इनका खाना बहुत काफी डिफरेंट है यार इंडिया के मुकाबले। जैसे ही कहती इंडियन खाना है, अच्छा लगा क्या? कौन सा खाना अब तुम? मुझे तो बहुत इंडियन लगा। हाँ। मसाला मिर्ची ये ना वो बहुत सारी चीजें दिखा तो मेरे पास देखो। आ जा, ये अपना किचन है ना, देखो मेरे साथ यूज करता हूँ, मसाला है देखो, लाल मिर्च है देखो, गरम मसाला है, हाँ ये सब इंडिया से आता है, ये कुरकुमा है, ये ओरिजिनल है, ये हल्दी होगी? हाँ हल्दी है, हल्दी पाउडर। सही है यार, ये देखो बासमती का भी रीस करता हूँ मैं चावल, देखा। हाँ, ऑल चीज इंडिया। हाँ, बस माची है। ये इसमें लोग रहे? हाँ। ये लेडीज है या जेंट्स में? Слушай, слушай, я заселяю уже людей тоже стали. Так, कहां से बनोगे यहां से? ये सब रूम है, चार चार बंदा रहता है, लड़के लड़का लड़का सब लड़का है। पूरा फूल है क्या यहाँ पे? खाली नहीं है जगह? खाली नहीं है, पूरा फूल है। 7 बज गए आ जाता,
там си туркиш банда. Мы болят она почиз банда. Компания банда. Все билдинг баната на билдинг. Я смотрю канапи на вот. और ये है इनका स्टोर करने का सामान, हर चीज़ है यहाँ पे। ये दाल हो गई, अच्छा है, और साफ सफाई ज़्यादा है। प्याज रखी हुई थी, प्याज है, ये सब ककड़ी वजह से है, मीरा सब सही है। नमाज नमाज भी रखी हुई, तो एक तरीके का हॉस्टल का टूर ही हो जा रहा है ये। और इसमें इसमें लड़की है, इसमें लड़की है, चली गई, काम करती है, वर्क करती है, काम करती है। और ये बंदा रहता है, पानी डाल के इसमें कना भी डाल के, मतलब यहाँ का आपकी जॉब क्या क्या है यहाँ पे? साफ करना पड़ेगा, इसके बाद कस्टमर आ जाता है, जैसे आ रहे लोग उनको अटेंड करना है, पैसे लेता हूँ, इनको चादर देता हूँ, टॉवल सब। तो ये हॉस्टल पूरा फुल है अभी? पूरा फुल है अभी, पूरा फुल है, हमेशा फुल है, क्योंकि लोकेशन अच्छा है ना, वक्जाल से बहुत लोग आता है, वक्जाल है ना ये पास में ही है, अलमाटी टू, अलमाटी टू के पास में मिल जाएंगे ये हॉस्टल, ट्रेन स्टेशन के पास, ट्रेन स्टेशन के पास में। तो आज मैं मिला तो आपको एक ऐसे इंसान से जो मेरे हॉस्टल मेट है, इनको हिंदी सब सब आता है, ये एंटिक पीस है ये। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो खुद ही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? इंडिया हिंदुस्तान को बंदा है, मुस्लिम को सबको हेलो, मैं कजाक बंदा हूँ, नूर खान मेरा नाम, ठीक है। मैं भी हॉस्टल में रहता हूँ, इधर काम कर रहा हूँ, ये बंदा को मिला था, ये अच्छा बंदा, यूट्यूब में चैनल है, तो थोड़ा सी बात करूँगा आपसे। तो हिंदी कैसी क्या सीखी, और मतलब ऐसा क्या इतनी जल्दी सीख गया हिंदी? तो मैं देखो, मैं मुझे इंडिया बहुत पसंद है, क्योंकि खाना भी सब कुछ, आपका ट्रेडिशन और रिलीजन सब कुछ अच्छा है। मैं बहुत घूमा था दुनिया में, 50 कम से कम 50 55 कंट्री में घूमा था। चालू है। और इंडिया बहुत पसंद था मुझे, मैं इंडिया में काम कर रहा था ना, गोवा में, दिल्ली में, मेरा बहुत दोस्त, बहुत सारे दोस्त पड़ा, मैं गया था आगरा ताजमहल देखने के लिए, कश्मीर गया था, ये बात है। रशिया में काम कर रहा था एक्सपो में, एग्जीबिशन में, इसलिए सीखा दिया। और मेरा एक क्वेश्चन था कि कितनी लैंग्वेज आती है अपने को? सात। सात कौन सी कौन सी? देखो मेरा कजाक है, कजाकिस्तान, रशियन है, इसके बाद फ्रांस है, इंग्लिश, हिंदी और किर्गिज, किर्गिस्तान का लैंग्वेज, और अभी शुरू होगी स्पेन का लैंग्वेज। अरे वाह, अच्छा है। तो इन सब में से जो गाली वाला सिस्टम है, वो गाली वाला सिस्टम कौन से लैंग्वेज में पसंद आया? गाली अच्छा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि मैं मुसलमान है दादा, तो ऐसे मजाक मजाक करने बोल। गाली जो है इतनी सारे लैंग्वेज में से सबसे बढ़िया गाली कौन सी लगती है? मुझे मुझे हिंदी अच्छा लग रही, क्योंकि देखो मैं इंडिया बंदा से काम कर रहा था ना, उन्हें पहले गाली देता, मैंने क्या सोच रहा क्या बोला, उन्हें बोला लंबू बोसरी के बहन का हो रहा ये वो, मैंने कहा ठीक है वंचू, मैं भी समझ रहा हूँ, गाली वापस दे दूंगा, मैं इतना गाली सीख दिया, उन्हें कंफ्यूज हो गई, आग खुल गई, ऐसे देख रहा था मुझे। तो कौन सी कौन सी गाली आती, कुछ गाली के बारे में? पूरा गाली आती, कौन सी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं बता दूंगा ना, साहब मैं सुना था बंचोत बोला, ओ तेरी तेरी मागी चूत बहन का वो कुत्ता साले कामीना चुदाई हनी का देला मुंह में डाल के बोल जाऊ मैं अंदर, ये बात है, वो गली बोल देता रंदी ये वो। सही है भाई। और ये सब जो चीजें है ये कहाँ से लाए, ये सब चीजें ये कहाँ से आ रही है एक्सपोर्ट? ये पूरी ये मेरा इंडिया में दोस्त पड़ा है, वो बेच देता मैं, क्योंकि हेन का ऑयल लगाता हूँ ना मेरा खेत में, आर्गन का ऑयल अच्छा लग रहा मुझे, इसके बाद ये मैच जो पेन होता था ना ये लगाता हूँ, ये अच्छा है। इंडिया है क्या है या पाकिस्तान? इंडिया का चीज, इंडिया का डेजल, ये साबुन सब क्रीम है, तो ये सब चीज इंडिया का यूज करने का क्या मतलब है? इंडिया से भेज दिया। अच्छा गणेश, तो ये इंडिया का क्यों यूज करते हैं, कुछ खासियत खास बात है? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा ना, मैं देखा था नेचुरल, इसमें क्वालिटी अच्छा है ना, मम्मी भी मेरा खोल देता सब। तो ये अपन है कहाँ के, प्रॉपर अलमाटी के है या कहीं और के?
Алматы ме? Алматы ме? Мы канаби банаро Индия сап кана. Мы басмати ге бот отчамуди. Раджма, панир, чикен кари, кебаб, сап куч банато. Апна мери пас спайси е сап. Мы кари длетав. Апна базар е зелени базар. Исве пас ме. То удар ек афган ге банда беж дета. Спайси беж дета, чавал беж дета. Мы амиша летав инсе. Агар ян пе куч आ रहे लोग तो क्या एडवाइस दे सकते हो आप, मतलब जो हिंदुस्तानी आ रहे हैं? हिंदुस्तान का बंदा बहुत है आपके अलमाटी में, क्योंकि सब मेडिकल में स्टडी करते ना, डॉक्टर ये वो सब, मैं किसको जानता हूँ, मैं सबको हेल्प करवाता हूँ, सुपर इनका रजिस्ट्रेशन कुछ अपार्टमेंट का ये वो घूमने के लिए जगह बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। तो अपार्टमेंट का यहाँ पे कैसे क्या सिस्टम है, अपार्टमेंट चाहिए? अपार्टमेंट सही है तो कितना, कि अभी रशिया से मोबिलाइजेशन होगी ना, उधर फाइट होता है यूक्रेन से, रशिया से बहुत बंदा आया था, सब ऊपर कर दिया, बहुत महंगा होगी, सस्ता काम है, बहुत काम है, क्योंकि मतलब देखो पहले 150,000 को तो मिलेगा दो रूम का अपार्टमेंट, अभी कम से कम 3 लाख हो जाता है, दो बार रुक, जैसे कि एक हफ्ता रुकना है तो कितना खर्चा आ जाता है अपार्टमेंट में? एक हफ्ता तू नहीं ले सकता, एक मंथ के ले सकता रेंट का, ठीक है, समझ जाए। हॉस्टल में तो सही, अपना हॉस्टल ये 3,500 एक दिन का, तो ये बात है। मैंने 2,500 दिया तो कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है। अभी और कुछ बनेंगे ब्लॉग या कुछ ये चीज़, बहुत सारी चीज़ बनाएंगे, इंडियन डिश वगैरह वो भी रिकॉर्ड करके मैं आपको बताऊँ किस तरीके से बनाते हैं, ये सब चीज़ बताऊँगा। तो अच्छा लगा मुझे मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने के लिए।